दोस्तों ये है नया iQOO 12 और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या 50,000 में आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। मैंने बहुत इसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग की है, तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। आप देख रहे हैं बाय हट के चैनल, मेरा नाम है फरहान। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट पे, जो कि है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको जो है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है, जिसे आप काफी अच्छी गेमिंग कर पाओगे। स्मूथ पे 90 FPS का सपोर्ट मिलता है BGMI में, तो गेमिंग आपकी एकदम मक्खन चलेगी। बात करें अगर हम बिल्ट इन डिजाइन की, तो वो भी काफी ज्यादा ऑसम है। पीछे में आपको मैट की फिनिश, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का डिस्प्ले, बैटरी में आपको 5000 mAh की और 120 वॉट का फास्ट चार्जर है, तो आराम से आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा और एक दिन की बैटरी लाइफ आराम से मिलने वाली है। बैक के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल के दो कैमरा है। कैमरे की क्वालिटी काफी ज्यादा ऑसम है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस फोन से। और इस बार जो है ये 15 प्रो मैक्स और S23 अल्ट्रा को भी टक्कर दे रहा है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। डिस्प्ले में आपको 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले है 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा है। मैंने काफी ज्यादा मल्टीमीडिया इस पे यूज किया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ऑफर्स लगाने के बाद 50,000 की प्राइसिंग आ रही है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस प्राइसिंग में इससे अच्छा फोन शायद ही आपको देखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।